गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। The length and width of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? देखो हमको क्या दिया गया है, लेंथ और ब्रिथ का रेशियो दिया गया है ना। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर किसी का भी रेशियो दिया होता है तो उसको हम क्या करते हैं, अगर उसके साथ वेरिएबल लगा देंगे तो जान लेंगे कि वो क्या है, लेंथ या ब्रेथ मिल जाएगी हमको। तो जैसे अब हमको दिया गया है लेंथ और ब्रेथ का रेशियो, तो पहले हमको कह रहा है लेंथ और बाद में कह रहा है ब्रेथ, मतलब लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है 11:4 है। तो अगर हम जानना चाहें तो यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन राइट करेंगे हम लोग, क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे लेंथ द लेंथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है, माना प्लॉट की लंबाई, माना प्लॉट की लंबाई बराबर, जो पहला वाला है वो आपका लेंथ का रेशियो है, मींस क्या हो जाएगा 11 इयर्स हो जाएगा, ठीक है 11 इयर्स। अब इसके बाद चलते हैं आगे, फिर आपको क्या कह रहा है, ब्रेथ दे रहा है, तो क्या लिखेंगे, एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट और प्लॉट की चौड़ाई, प्लॉट की चौड़ाई बराबर। अब देखिए जो ब्रिथ है 11 आपका क्या हो गया, ये लेंथ हो गई, और 4 क्या हो गया आपका, ब्रिथ हो गया, तो 4 इयर्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका 4 इयर्स हो जाएगा, ये आपका 4 इयर्स हो जाएगा। अब इतने के बाद आगे चलते हैं, देखिए इतना हो गया ना, अब आपको क्या दे रहा है, कह रहा है इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत ₹75,000 टू फेंस द प्लॉट। अगर वो प्लॉट को बनाना चाहे तो 75,000 लग रहा है, लेकिन कितने मीटर को बनाने में, 100 मीटर बनाने में, यानी 100 मीटर अगर वो प्लॉट बना रहे हैं पर मीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर वो 100 मीटर बना रहे हैं तो कितना पैसा लग रहा है उनको, 75,000। तो अगर पेरीमीटर निकाला, कभी भी अगर जो है ये बताए कि इतने मीटर की कॉस्ट इतने रुपए है, जैसे ये मान लीजिए हमारा कोई प्लॉट है और हमने आपको बताया कि ये हमारा एक प्लॉट है, इसमें 100 मीटर हम बना रहे हैं तो 75,000 रुपए लगा है, ठीक है, और ये टोटल हमने आपको क्या कहा कि ये जो है पूरा प्लॉट बनाने में मुझे नहीं पता कितना लगा है, लेकिन 100 मीटर यानी 100 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 75,000 है। तो अगर आपको पेरीमीटर निकालना होगा क्या करेंगे, इसी को 100 से डिवाइड कर देंगे, मींस क्या हो जाएगा, ये आपका अब 750 आपका क्या हो गया, पेरीमीटर आ गया। या मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि हम एक प्लॉट बना रहे हैं, हमारा एक प्लॉट है, ये कोई हमारा प्लॉट है और हमने इसको बनवाया है, इसको बनवाने में 10,000 कितने का खर्चा आया है, 10,000 का खर्चा आया है, ठीक है, इसको बनवाने में 10,000 लगा है, और हमने जब इसको बनवाया तब 50 मीटर पर मीटर जो कास्ट है ना वो 50 रुपए है, 50 रुपए पर मीटर है, यानी कि जब मैं इसको बनवा रही थी जो मिस्त्री थे या जो बनाने वाले थे उन्होंने ये बताया कि आपका जो ये प्लॉट है हम इस प्लॉट को बना देंगे, लेकिन 1 मीटर यानी 1 मीटर जो बनाने
आने में खर्चा होगा वो कितने रुपए होंगे, 50 रुपए होंगे, और हमने टोटल उन्हें कितना दिया, 10,000 रुपए दिया। तो अब हमें बताइए कि इसका पेरीमीटर निकालना चाहिए, क्या करेंगे, 50 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 5 5 5 2 10 200 आ गया ना। या मान लीजिए हमने किसी को बोला कि यह हमारा प्लॉट बनाना है, आप इसमें इस प्लॉट को बनाने में कितना लेंगे, तो उसने कह दिया, ये नहीं बताया कि कितनी कॉस्ट होगी। मान लीजिए हमने टोटल उसको रुपए दिया 25,000 और उसने इसको बनाने में कितना बताया कि पर मीटर के अकॉर्डिंग वो कितना लेगा, 5 रुपए पर मीटर लेगा, ठीक है, 5 रुपए पर मीटर के अकॉर्डिंग, अपन 5 कर दीजिए तो ये आपको क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपका पेरीमीटर दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, सिंस पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट मीन्स प्लॉट का परिमाप, प्लॉट का परिमाप बराबर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट यानी प्लॉट का परिमाप, अब टोटल बनाने में कितना खर्चा हो रहा है, देखिए जो प्लॉट फेंस किया जा रहा है ना 75,000 रुपए लग रहे हैं, कितने रुपए लग रहे हैं, 75,000 रुपए लग रहे हैं, और 100 मीटर का देखिए कह रहा है आपको कि एट द रेट 100 पर मीटर, 1 मीटर अगर 1 मीटर वो बना रहे हैं तो 100 रुपए ले रहे हैं, तो 75,000 उन्हें आपने टोटल दिया है, तो कितने मीटर उन्होंने प्लॉट बनाया, तो अपान कितना कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो आपको क्या निकल आएगा, पेरीमीटर निकल आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 750 मीटर हो जाएगा, आया। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट यानी भूखंड की माप, मतलब लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और ब्रेथ, तब क्या करेंगे, सिंस हमें सबको पता है कि जो पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, और पेरीमीटर में अगर लेंथ और ब्रेथ है मतलब किस शेप में है, वो रेक्टेंगल की शेप में है ना, और वैसे भी उसने पहले ही बताया हुआ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल, तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो क्या होगा, सिंस पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट प्लॉट का परिमाप, प्लॉट का परिमाप इक्वल, ये क्या हो जाएगा, 2 ब्रेकेट में एल प्लस बी, इसका फार्मूला होता है 2 ब्रेकेट में एल प्लस बी, एल मीन्स लंबाई, बी मीन्स चौड़ाई ब्रेथ। तो अब देखिए अब हमने निकाला है पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट यानी प्लॉट का परिमाप, तो कितना निकाला है, 750, तो जहां पर ये लिखा है वहां पर हम क्या लिखेंगे, 750 इक्वल 2 है 2। अब यल मीन्स मैंने आपको बोला लेंथ यानी लंबाई कितना है, 11x है प्लस ब्रेथ कितनी है आपकी यानी चौड़ाई 4x, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 750 अब इक्वल 2 है 2 इंटू 11 यस है और ये 4s है, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15s हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 750 इक्वल 15 2 30s। अब इसको पूरा ले जाइए, इसको उधर ले जाइए, दिस इंप्लाइज दैट 30x इक्वल 750, तो यक्स इक्वल आ गया 750 अपॉन 30, ये अपॉन 30 हो गया। अब इसको चलने डिवाइड कर लेते हैं, 750 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3 और 3 2 6 1 है 15 हुआ, 3 5 15 यानी कितना हो गया, यक्स इक्वल 25।
अभी हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट यानी भूखंड की माप। तो चलते हैं हम लोग, तो हो गया। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं, देखते हैं। अब राइट करते हैं, क्या लिखेंगे, हियर द लेंथ ऑफ द प्लॉट, हियर द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी प्लॉट की लंबाई बराबर 11x, तो 11 इंटू x कितना है 25, है ना, 11x ही तो था, 11 इंटू 25। तो अब चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 25 को 11 से मल्टीप्लाई, 11 में 25 से मल्टीप्लाई, 25 बन जा 25 कैरी 2, 25 बन जा 25 और 2 27, यानी कितना हो जाएगा 275 मीटर हो गया। एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट यानी प्लॉट की चौड़ाई इक्वल, अब क्या हो जाएगा, 4x था मतलब 4 इंटू 25 हो जा 100 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर, और क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ।